presents DFC live coverage. नारायण मीठी मुरली बजावे जी, लालो यो तो मीठी बंसी बजावे छे, मामा जी के देश महल में बाछरू चरावे छे। ओ नारायण ये नारायण की मुरली बजावे जी, ओ बजावे जी, ये मामा जी रा देश महल में गाया चलावे जी। कानूड़ प्यारो राहता जिसे अड़ जावे पिछुड़ लो हाथा को जड़ जावे, हाथा को जड़ जावा छुड़ लो हाथा को जड़ जावे। कानूड़ प्यारो जीरो लालो पालो राहता से देव नारायण भगवान की जय। बासुरु चराने लगे 8 दिन 15 दिन तक चराहे होंगे और ऐसा योग लगा कि संक्रांति आई। जब संक्रांत आई, अब संक्रांत 12 महीने में एक बार आती है, मकर संक्रांति। ब्राह्मण देवता भिक्षावर्ती के लिए जा रहे थे, देवनारायण भगवान ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो? कि हम भिक्षावर्ती के लिए जा रहे भाणेजलाल, आज संक्रांति का समय है, आज के दिन अगर कोई दान करे तो उसका फल लगता है, बड़ा महत्व लगता है। भगवान देवनारायण ने कहा कि काय काय का दान देते हैं आपको, ये तो बताइएगा कि कोई देते अन्न के दान, कोई देते धन का दान, और कोई देता है चांदी सुन्ना का दान, और कोई देता है वस्त्र का दान। भगवान देवनारायण ने कहा कि सब दान में श्रेष्ठ दान बताइएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा अन्न दान नितो गोदान। तब जो है उसी समय भगवान देव नारायण ने जितने बाछरू थे सब ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया। शाम को घर पहुंचे, मामी को रीस आई, एडी टेडी बोलने लगी। तब जो साडू माता सोने की मोहरे का एक बाछरू देती जावे, एक बाछरू के बदले सुनने की मोर दी सती साड़ू ने, सोने की मोहर
बाचरू को वापस लावे। दो चार दस दिन व्यतीत हुए और जो है मामी को फिर रीस आई। मामी कहने लगी कि घोड़े हैं घुड़साल में, देखो भानेज मुसीबत में आया था, बुरे दिन पार करने के लिए आए थे, बाकी मामी उनके पास में काम करवा रही है कि घोड़े चराने के लिए जाओ। देव नारायण भगवान ने कहा आज्ञा शिरोधारी। घोड़े कहां चराएं? उज्जैन शनि मंदिर के पास त्रिवेणी के आसपास। घोड़े जब चराएं तो एक दो दिन ही चराएं, बाकी तीसरे दिन से तो लगाम लगाते हैं घोड़े के, जितने घोड़े उतने अश्वाहार, दिन भर घोड़ों को दौड़ाते हैं। शाम के वक्त जब घोड़े भूखे हो गए तो एक ग्वाल ने कहा कि नारायण आज आपकी मामी साहब जो बड़ी मामी हैं वो आपसे लड़ेगी। क्यों? कि घोड़े भूखे हैं, दिन भर से दौड़ा रहे हैं अपन। देव नारायण भगवान ने घोड़े के कान में फूंक लगाया, हवा भर दी, घोड़े फूल गए। घोड़ों को लेकर के नारायण भगवान घर पहुंचे। मामी मेल के ऊपर से कहने लगी क्या बात है, घोड़े को अच्छा परिपूर्ण खिला करके लाए हो भाणेज लाल। 8-15 दिन में घोड़े तैयार हो जाएंगे। देव नारायण भगवान ने मन ही मन कहा ठीक है मामी साहब तैयार होगा नहीं, ये मर भी जाएंगे। मामी साहब ने फिर कहा भाणेज लाल हाँ ऐसा तो नहीं कि कैसा कि कोई के अनाज में आप घोड़ों को चराते हो, कोई का नुकसान तो नहीं करवा रहे? देव नारायण भगवान ने कहा आप अनाज की बात कर रही हो मामी, वर्तमान में चारे का भी नुकसान नहीं हो रहा, घास का भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो फिर घास का नुकसान नहीं हो रहा तो फिर कहां चरा है? आपने कहीं मतलब घोड़ा तो भूखा नहीं है क्या? नहीं है ठीक है, जो 15 दिन में घोड़े अच्छे तैयार हो जाएंगे। देव नारायण भगवान मन ही मन कह रहे हैं 15 दिन में सीम लाख हो जाएगी। 2 दिन 4 दिन 8 दिन अब खाए तो वो लात करे, लात करना बंद हो गई, घोड़े आड़े पड़े, कहीं के घोड़े ने मुंह फाड़ दिया, पांव ठोकने लगे। तब जो बड़ी मामी साहब ने देव नारायण भगवान को बुलाया भाणेज लाल हाँ मामी साहब, पूरे घोड़े पांव ठोक रहे हैं, आड़े पड़े हैं। देव नारायण भगवान ने कहा कम खाना वार का, इन्होंने ज्यादा खा लिया अब मरेंगे मामी, एक भी नहीं बचेंगे। साडू माता ने कहा बेटा देख अपन यहां बुरे दिन पार करने आए हैं और तू घोड़ा तू नहीं चराता, बाछरू दान में देता, तेरी मामी साहब ऐसे यहां नहीं रहने देगी। देव नारायण भगवान ने कहा माता आपको मामी के ऊपर इतना भरोसा है नहीं तो अब देखना। शनिवार का दिन था, देव नारायण भगवान का दिन भी शनिवार का ही माना जाता है। 8 दिन में 1 दिन यूं तो नारायण भगवान की मंदिर में पूजाएं रोज होती है, बाकी सर्वश्रेष्ठ दिन भगवान देव नारायण को शनिवार मानी गई। शनिवार का उपवास भी होता है, शनिवार को देव नारायण मंदिर पर पाती भी चढ़ती है, काय की नीम की पाती। तब जो है शनिवार का दिन था, भगवान देव नारायण ने एक हाथ में खाली कटोरा लिया और बड़ी मामी साहब के द्वार पहुंचे, जाकर के कहा मामी साहब शनिवार उपवास मामी पिलावो न पहाड़िया दीदी काचा ये दूध मामी मारी पी
लावनी काचा हाथ जोड़े मामी भगवान की जय। उसी समय देव नारायण भगवान के हाथ में खाली कटोरा है। शनिवार का दिन है। मामी साहब के द्वार पे पहुंचे, कहने लगे, मामी हां भानिजलाल, एक कटोरा दूध का पिलाओ, जीवन भर एहसान रहेगा, आज मेरे को उपवास है। मामी कहने लगी, रोज का नुकसान भी करता है और दूध भी मांग रहा है। शीका पे धरी छे बासी राबड़ी, क्या कह रहे हैं, शीका पे धरी छे बासी राबड़ी और ये 12 दिन की खाटी छाछ जी। खाले बेटा बासी राबड़ी, पीले खाटी छाछी जी, ऐसे तो बोलिया नी मामी, ओ बोलिया बखा में आयो नी नारायण मां। ये मुसीबत में आयो नारायण मामा जी के घर पे, मुसीबत में देव नारायण भगवान। मामी सा ने कहा, छीका पे रखी है बासी राबड़ी, आप उपवास करनो कहीं जानो ना, नाना छोटे भाणजा, छोटी अवस्था है अभी आपकी। बाकी छीका पे धरी बासी राबड़ी और 12 दिन पहले की छाछ है, आप नुकसान करते हो और दूध मांगते हो, नहीं है दूध, छाछ पीना हो तो पी लो। नारायण भगवान ने कहा, मन ही मन मारे तो 56 भोग लागे छे, बाकी मामी शाह में आपका 56 भाव देख रहा हूं कि आप मेरे प्रति कहां तक के हो। भगवान देव नारायण मेरे बहन भाई, उस समय पे व्रत भंग होने के कारण वो राबड़ी तो नहीं खाई, बाकी मुसीबत में पी गई 12 दिन के खाटे। उन्होंने ऐसी लीला क्यों बताई मालूम, कि हे कलयुग के प्राणी, इतना भी संकट हो तो सत्य को मत छोड़ना, आखिरी में तेरी विजय होगी। तो वो तो भगवान थे, उनको कोई दूध मांगने की जरूरत नहीं थी। देव नारायण भगवान ने विचार किया कि
कि छोटी मामी का भी तो भाव देखते हैं कहां तक की। देव नारायण भगवान छोटी मामी के घर पहुंचे, निवेदन किया, हाथ जोड़ विनती करूं छे छोटी मामी, आपने नमनम लागू छे पांव, एक कटोरा छाछ का पिला दो जीवन भर मान। क्योंकि छोटी जहां दूध था, जहां 980,000 गायें थी, उस घर छाछ मिली। तो देव नारायण भगवान ने कहा, इनके घर तो मेरी एक गाय भी नहीं है छोटी मामी के यहाँ, तो इनसे तो छाछ ही मांगे तो भला अच्छा रहेगा। देव नारायण भगवान ने कहा, छोटी मामी साहब मेरा उपवास है, एक कटोरा छाछ का पिलाओ। छोटी मामी रोने लगी, अरे भाणेज लाल आप कहाँ रोज मेरे द्वार आओगे,